क्योंकि मैं भी इससे गुजर चुका हूँ। मैंने एक और कदम बढ़ाया। कितना अच्छा नजारा है तुम्हारी तबाही की ओर। तुम्हें मुझसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग द ग्लोरी पार्ट 3 यानी सीजन 3 के लिए जानना चाहते हैं क्या हमें इसकी सीजन 3 वो देखने को मिल सकता है या नहीं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए। तो जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि सीरीज की कहानी मुंग दोंग नाम के एक ऐसी लड़की के बारे में बताती है जिसे हाई स्कूल में कुछ लोगों के द्वारा काफी भयानक तरीके से बुली किया जाता है, जो आगे जाके ठान लेती है कि वो इसका बदला लेके ही रहेगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्ट 2 यानी सीजन के एंड में हमें दिखा दिया गया है कि मुंग दोंग अपना जो बदला है वो ले लेती है। तो इसी के साथ इस सीरीज की कहानी को कंप्लीट कर लिया जाता है। तो सवाल ये बनता है क्या हमें इसकी सीजन 3 है यानी पार्ट 3 देखने को मिल सकता है या नहीं। तो फिलहाल के लिए नेटफ्लिक्स ने इस बारे में तो कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं दिया है और ना ही इसके क्रिएटर की तरफ से ये साफ हो पाया है कि वो इस सीरीज़ को जस्ट एक लिमिटेड सीरीज़ की तरह बनाना चाहते थे या फिर इस सीरीज़ की आगे भी फ्यूचर है। लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज़ है जो आपको इसकी सीजन 3 यानी पार्ट 3 में देखने को मिल सकता है। जैसा कि सीरीज़ का जो मेन कैरेक्टर है जियोंग, उसके बारे में हमें डिटेल से नहीं दिखाया गया है क्योंकि वो भी अपने पिता का बदला लेना चाहता है। तो ऐसे में हो सकता है कि उसके पिता का जो कातिल है उसके पीछे भी कोई पावरफुल पीपल हो सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि इस बार इसकी सीजन 3 यानी पार्ट 3 की जो कहानी है पूरी तरह से फोकस करेगी हमारे मेल करेक्टर पर। और इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि ये सीरीज कोई हाई बजट कोरियन सीरीज नहीं है, यानी हो सकता है कि अगर इस सीरीज को जबरदस्त रिस्पांस मिलता है ऑडियंस के तरफ से तो ऐसे में हो सकता है कि आपको इस सीरीज की एक स्टैंड अलोन सीजन देखने को मिले जिसकी कहानी अदर करेक्टर्स पर फोकस करे। तो फिलहाल जो भी हो इस सीरीज को क्रिटिक्स के तरफ से रोटेन टोमेटोज पर 100 में से 100 की रेटिंग मिली है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि आपको इसकी पार्ट 3 यानी सीजन 3 देखने को मिल जाए। तो फिलहाल के लिए मेरे पास बस इतना ही अपडेट है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।